नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पूजा अ जर्नी ऑफ अ होम मेकर। कैसे हैं आप लोग सब? होप कि सब लोग अच्छे से होंगे और ये वाला आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग सब और मजे में हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक चीज जो लेकर के आई हूँ वो है फूड प्रोसेसर और उसका मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ। ये है उषा ब्रांड का, मॉडल है FP3811 जो कि मैं पिछले 2 से 3 महीने से यूज कर रही हूँ और उसके बाद ही मैंने सोचा कि आप लोगों से क्यों ना मैं शेयर करूं, क्योंकि ये वाली चीज अगर मेरे लिए इतनी यूजफुल है तो आप सबके लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी और आपकी लाइफ में एक और एडिशन कर देगी, आपके काम को कम कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उसके मेन यूनिट से। ये है उसका मेन यूनिट। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये वाले फूड प्रोसेसर के लिए, क्योंकि ये वाले यूनिट में ही ज्यादातर आपकी चीजें आप यूज करोगे, जैसे कि डो बनाने का है या तो फिर श्रेडिंग करनी है, चॉपिंग करनी है, आपको ग्रेटिंग करना है या स्लाइसिंग करना है, वो सारी चीजें ये वाले जार में ही होगी। तो ये इजिली खुल जाता है, लॉक सिस्टम है, फिर से याद रखने का है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपको कुछ भी श्रेड करना है या ग्रेट करना है तो वो आप डिस्क जो भी दी है उन लोगों ने वो कैसे अटैच करोगे। तो उसके लिए उन लोगों ने दिया है, जो ये मेन यूनिट है उसके अंदर जाएगा ये वाला यूनिट इस तरह से, ये उसमें फिट हो जाता है। उसके बाद की आपकी जो भी ये डिस्क है वो आप ले लीजिए, कोई भी आपको जो भी स्लाइस करना है, ग्रेट करना है या श्रेड करना है। ये ज्यादा मोटी वाली साइड है और ये कम छोटी वाली है, तो आपको छोटा अगर श्रेड करना है या बड़ा करना है उस तरह से आप उसको दोनों साइड पे यूज कर सकते हो। तो मैं अभी उसको रख रही हूँ बड़े वाली साइज की तरफ। तो ये इधर जाता है उसके अंदर, ये सेट हो गया है। बस अभी उसका जो मेन यूनिट का मेन डोर है लॉक करने का है। लॉक सिस्टम आपको हमेशा ही याद रखना है, अगर वो लॉक नहीं होगा तो आपका यूनिट स्टार्ट ही नहीं होगा। ये एक बार हो गया, उसके बाद आप इधर से सारे वेजीज जो भी आपको डालने हैं वो आप इधर से डाल दीजिए और इसको एक बार ऑन कर दीजिए और आपके सारे स्लाइसिंग, श्रेडिंग, ग्रेटिंग अंदर हो जाएगा विद इन 2 to 5 seconds में। साथ ही एक और चीज है जो कि इसमें जाएगी वो है साइट्रस फ्रूट के लिए। साइट्रस फ्रूट जूस अगर आपको निकालना है, ऑरेंजेस हो गए या स्वीट लेमन हो गया, तो वो सारी चीजों के लिए भी अलग से उन लोगों ने दिया है यूनिट। ये चीज जो है वो भी इसके अंदर ही जाएगा मेन यूनिट के अंदर, उसको आपको इसमें फिट कर देना है और उसको भी लॉक कर देना है। एक बार वो लॉक हो गया उसके बाद साइट्रस फ्रूट का जो ऊपर का नॉब है वो उन्होंने दिया है, वो भी इसमें लॉक हो जाएगा और बस इधर से आप इसको घुमाते शुरू कर दीजिए और आपके जो भी ऑरेंजेस और स्वीट लेमन है वो आप इसके ऊपर रख दीजिए और वो घूमता रहेगा और आपका सारा जूस इसके अंदर इकट्ठा होता रहेगा।
एक और चीज इसमें आई है वो है विस्कर। इसको आपको वही मेन यूनिट में डाल देना है और उसके बाद आपके पास अगर एग है या पुडिंग बना रहे हो या तो फिर केक का आपका बैटर है, वो सारी चीजें अगर आप इसमें डाल दोगे और विस्क आपको करना है तो अच्छे से ये सारी चीजों को विस्क करके देता है। लेट्स स्टार्ट विथ डो मेकिंग, क्योंकि डो एक ऐसी चीज है जो कि हमारे इंडियन किचन में डेली मॉर्निंग और इवनिंग में बनता ही बनता है और वो बहुत ही ज्यादा बोदर करता है हम सारी लेडीज को। तो उसके लिए ये बहुत ही आसान एक चीज है, वो है डो मेकिंग का जार। सबसे पहले आपको ये करना है कि उसको आपके मेन यूनिट में आपको फिट कर देना है और ये लॉक सिस्टम से चलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लॉक अगर नहीं होगा तो आपका यूनिट वर्क नहीं करेगा। ये एक बार फिट हो गया उसके बाद डो के लिए जो अलग से ब्लेड उन लोगों ने दिया है इस पे उन लोगों ने मेंशन कर दिया है अब मीन्स ये वाली जो साइड है वो आपकी जाएगी ऊपर की तरफ, तो उसको आपको इसके अंदर डाल देना है, वो सीधा उसमें फिट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी आटा है वो उसमें ऐड कर दीजिए, नमक ऐड कर दीजिए और बस। और पानी उसमें अभी इस टाइम पे ऐड नहीं करना है, इसको आप ऊपर से लॉक कर दीजिए और जब भी आप लॉक करोगे इसमें से आवाज आएगी। आवाज नहीं आई है मतलब कि आपका ये वाला यूनिट लॉक नहीं हुआ है। एक बार ये लॉक हो जाएगा आपको ऊपर से आप ये ऑन कर दीजिए और ऊपर से पानी डालते जाइए, आपका डो बन जाएगा। आपको सॉफ्ट बनाना है तो थोड़ा ज्यादा पानी जाएगा, हार्ड डो बनाना है तो थोड़ा कम पानी डाल के इसको थोड़ी और देर के लिए चला दीजिए। तो आप उसका डेमो देख लीजिए अभी। होप कि आप लोगों ने डो बनाने का अच्छे से देख लिया होगा कि वो कैसे बनता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अगर आपको फाइनली चॉप करने हैं वेजिटेबल्स जो कि हमारी डेली जरूरत में बहुत ज्यादा लगते हैं, आपको अगर पराठे बनाने हैं, सब्जी बनाना है, मोमोज बनाने हैं या तो फिर कोई और चाइनीज आइटम बनानी है, तो वो सारी चीजों में जो भी फाइनली चॉप वेजेस जाते हैं वो भी एक बहुत अच्छा काम करता है ये वाला यूनिट। विद इन 2 to 5 सेकंड में आपके सारे वेजेस, मिनिमम आपके घर में अगर 6 से 7 लोग हैं उतने लोगों के भी वेजेस ये अच्छे से चॉप कर देगा विद इन 5 सेकंड में। तो उसके लिए उन लोगों ने प्रोवाइड की है ये वाली ब्लेड, ये बहुत ही ज्यादा शार्प होती है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो भी घर में अगर किड्स है उनके नजदीक ये चीज कभी भी ना जाने पाए। उन लोगों ने इसमें कवर भी दिया हुआ है और हमको भी इसको टच नहीं करना है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि ये वाली ब्लेड को आपको सिर्फ कवर बाहर से निकाल के यूज करके वॉश करके तुरंत ही रख देना है सेफ जगह पे। तो ये बहुत ही ज्यादा शार्प होती है, इसमें भी उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है अप, तो कौन सी साइड ऊपर की तरफ रहेगी उस तरह से आपको इसको इसमें फिट कर देना है। और एक बार ये ऐसे उसमें फिट हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दीजिए और ये वाला जो मेन यूनिट का कवर है उसको आप इधर से आप लॉक कर दीजिए और इसको शुरू कर दीजिए। आपके सारे वेजेस फाइनली चॉप हो जाएंगे। आप इसका भी एक डेमो देख लीजिए। बता दूं कि क्यों मैंने उषा का FP3811 लिया। 3811 एक ऐसा मॉडल है जिसके साथ वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगल जूस, जो कि है ये वाला यूनिट। ये सेपरेट यूनिट अलग से दिया है उन्होंने, नॉर्मली दूसरे ब्रांड्स में मैंने देखा कि वो अलग से नहीं मिल रहा था। सो जो भी मिल रहा था वो इतने यूनिट ही मिल रहे थे सेम प्राइस रेंज में, बल्कि उषा एक था जो ये प्राइस रेंज में
सेंटीफ्यूग्रल जूस वाला भी दे रहे थे, तो अराउंड 1,000 का फर्क था। तो अगर आप ज्यादा देते हो उतना, तो आपको ये वाला यूनिट भी मिल जाता। तो मेरा भी यही पर्पस था कि मैं अगर ले रही हूँ और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारी चीजों का हम बार बार तो लेते नहीं है, तो सोचा कि क्यों ना मैं सेंटीफ्यूग्रल जूस वाले यूनिट के साथ ही जाऊँ। और खास करके मुझे जो अट्रैक्ट किया वो है ये वाला। सारी चीज में, सारी जगह पे ऐसा वाला यूनिट नहीं मिल रहा था, बट मुझे ऐसा देख के ही हुआ कि थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा और डायरेक्टली जूस आपका आपके ग्लास में आ जाएगा, तो मैंने ये चूज किया है। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ ये वाला यूनिट आया है। जो भी आप फ्रूट्स है या तो फिर वेजिटेबल्स है, वो सारे आप अंदर इस बार डाल दो। उसके बाद ऊपर से आपको इधर से प्रेस करना है और सारी चीज़ों का जूस जो आएगा वो आएगा इधर से, इधर से डायरेक्टली वो आपके ग्लास में आ जाएगा। और ये यूनिट ओपन भी बहुत ही इजीली होता है। ये आप निकाल के साइड में रख दीजिए। ये इधर से लॉक सिस्टम है, इधर से आप ओपन करोगे ओपन हो जाएगा। ये आपका यूनिट जो है वो आप खोल सकते हो इजीली। उसके बाद की अंदर की जो ब्लेड है वो भी आपको थोड़ा सा घुमाओगे और वो बाहर आ जाएगी। तो वॉश करने के लिए भी एकदम ही इजी है। ये वाला जो यूनिट है वो भी आप निकाल के उसको अच्छे से वॉश कर सकते हो। ये ऐसे अलग हो जाता है और ये भी अलग हो जाता है। सो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिटेचेबल है और आप उसको अच्छे से वॉश करके वापस से भी उसको अटैच कर सकते हो। तो ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एक बार अगर आप इसको यूज़ करोगे आपको पता चल जाएगा कि यूज़ करने में तो आसानी है ही, बट उसके बाद के जो भी जूसेस है, मैंने इसमें बहुत सारे जूस बनाए हैं, खास करके टमाटर, कैरेट और बीट का, जो कि हम पहले कभी भी नहीं पीते थे, वो हमने पीना शुरू किया है आजकल। और एक अच्छी चीज़ है कि इसकी वजह से बच्चे भी ये सारे चीज़ों के लिए हैबिट बना लेते हैं। आजकल अगर मैं कभी भूल भी जाती हूँ तो आर्यन मुझे पूछता है कि मम्मा मेरा टोमेटो जूस किधर है या मेरा कैरेट जूस किधर है। सो दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर आवर इंडियन फैमिली। अभी बात करते हैं इसके जो मेन तीन यूनिट जो कि नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर जूसर के साथ आते ही है, वो है ये वाले तीन, बड़ा, मीडियम और छोटा। तो ये जो बड़ा वाला जार है वो काफ़ी अच्छा और यूजफुल है, खास करके इसकी जो क्वांटिटी है वो है 1800 ml का, तो काफ़ी सारी ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको बना सकते हो। इसमें आप मिल्क शेक्स बनाइए, स्मूदीज बनाइए, जूसर्स बनाइए, या तो फिर किसी सब्जी के लिए ज़्यादा ग्रेवी करनी है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बड़ी साइज में आया है और काफ़ी टिकाऊ भी है। और इसमें ऊपर से आपको ऐसे घुमा के ये आप खोल के अगर कम ज़्यादा कुछ मिल्क या पानी ऐड करना है आप कर सकते हो। इसके साथ ही दूसरा वाला जो जार है वो है ये वाला, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये मैंने लिया था, मेरा पर्पस जो था वो है बैटर बनाने के लिए। जो भी पल्सिस है वो सारे पल्सिस को ये अच्छे से ग्राइंड कर देता है और अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हमको बना के देता है। तो ये काफ़ी अच्छी वाली चीज़ है और साथ में हैंडल है तो होल्ड करने में भी काफ़ी आसानी होती है। और ये है सबसे छोटा वाला, जो कि है चटनी के लिए। हम सबके घर में ये हमेशा ही अवेलेबल होना ही चाहिए, क्योंकि चटनी एक ऐसी चीज़ है जो कि घर की एक कोने में पड़ी हुई बट बहुत ही टेस्टी चीज़ है। एक और चीज़ है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी इसके बारे में, वो है इसका स्टोरेज। अलग से उन लोगों ने मुझे स्टोरेज दिया है, वो आया है इधर। ये ऐसे इधर खुलता है, इसमें जो है वो आप रख सकते हो ये वाला नीडिंग, डोर नीडिंग करने वाली जो ब्लेड आई है वो इधर साइड में उन लोगों ने दिया हुआ है जगह। उसके साथ ही जाएगा आपका स्लाइसिंग ट्रे इसके अंदर, उसके साथ जाएगा आपका श्रेडिंग ट्रे डिस्क,
और दूसरा भी है उसका ग्राइंडिंग। तो सारी जो भी आपकी श्रेडिंग वाली डिशेस थी वो इसमें चली जाएगी और ये आपका स्टोरेज बन जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको अलग से कहीं पर भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जो कि रिस्की भी रहता है बच्चों के लिए, कहीं अगर वो लोगों ने टच कर लिया तो उसके लिए उन लोगों ने एक सेफ जोन बनाया हुआ है जो कि आप अलग से रख सकते हो। होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और काफी लोगों को शायद हो सकता है ये सारी चीजें यूजफुल भी हो जाए, और अगर आप कंफ्यूज हो तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। मेरा एक यही पर्पस था ये वाला शूट करने का, ये वीडियो बनाने का, कि अगर जो चीज मैं यूज कर रही हूँ और मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग इधर ही खत्म कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को पसंद आया है। अगर ये रिव्यू आपको कुछ भी यूजफुल हो रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर से कीजिए। कुछ कुछ लोग सुनने लगे हैं मेरी बात जो कि सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उन सबको मेरा बड़ा वाला थैंक यू। और जो नहीं सुन रहे हैं, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। जल्दी मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सब सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए। बाय बाय।